हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये कुक विद सृष्टि सीरीज़ में हम अभी बनाने जा रहे हैं टोमेटो सूप। सो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5-6 टमाटर ले लिए हैं और एक गाजर लिया है, उसको हमने ऐसे पीस पीस करके काट लिया है और उसके साथ मैंने यहाँ पर अदरक भी लिया है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपको बनाना होगा टोमेटो सूप उस हिसाब से आप टमाटर और गाजर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये अदरक भी लिया है। तो अभी हम इन्हें ब्लांच करेंगे सब कुछ साथ में। तो चलिए, अभी यहाँ पर मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दिया है और फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। ठीक है, पानी डालने के बाद इसमें मैं अपने सारे टमाटर गाजर सब कुछ जो है वो मैं डाल दूँगी इसमें। और ये देखिए, मैंने सारे टमाटर मैं ऐसे कट करके रखा है ताकि वो अच्छी तरह से हमारा वो ब्लांच हो जाए और हम उसको अच्छी तरह से फिर पीस लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारा अदरक भी डाल दिया है। फिर उसके बाद अभी हम इसे 5-10 मिनट तक हम इसको ब्लांच होने के लिए रख देंगे फुल गैस पर। तो हमारा ये ब्लांच हो चुका है और अभी हम इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। जब हमारा ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम क्या करेंगे, हैंड ब्लेंडर से इसको पूरा ब्लेंड कर देंगे। और देखिए हमारा कैसे पूरा पानिया सा पूरा एकदम ये टेक्सचर आ चुका है। फिर इसको अभी हम छान लेंगे ताकि जो भी टमाटर के पीसेस छिलका वगैरह या फिर बीज वगैरह हो वो हमारे टोमेटो सूप में ना आए। तो इसको हम अभी ऐसे करके छान लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद जो पानी हमारा रह गया था उसको हम क्या करेंगे कि हमें उसे गैस पर रख देना है और उसमें हम डालेंगे नमक, काली मिर्च और बटर। ठीक है, बस यही चीज़ें डलेगी इसमें और फिर हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। आपको थिक थिन अपने हिसाब से आपको जैसा भी चाहिए होगा आप उतना उसे उबालने के लिए रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर उबल चुका है और अभी हम इसको और थोड़ी देर कम गैस पे हम इसे उबलने के लिए रहने देंगे ताकि थोड़ा थिक टेक्सचर जो है वो हमारा टोमेटो सूप का आ जाए। और इसमें आप चाहे तो और भी आप काली मिर्च डाल सकते हैं। तो चलिए, इतना हम अपने क्रूटॉन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर गैस में मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि ब्रेड को हमने स्क्वायर पीसेस में काटा है और फिर वो स्क्वायर पीसेस को काट कर हम इसको अभी ब्रेड को हम डाल देंगे फ्राई करने के लिए। आप ऐसे छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं ब्रेड के या फिर बड़ा पीसेस भी कर सकते हैं, क्यूब साइज छोटा छोटा पीसेस भी कर सकते हैं ब्रेड के क्रूटॉन्स बनाने के लिए। और इसको जब तक ये पूरे गोल्डन ब्राउन पूरे एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाते हम तब तक इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारे पूरे गोल्डन ब्राउन हमारे क्रूटॉन्स हो चुके हैं एकदम पूरा क्रिस्पी से और इनको हम अभी डाल देंगे सूप में। ठीक है, सूप में जाकर ये पूरा एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और उसके ऊपर आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पर क्रीम भी डाला है ताकि और भी अच्छा टेस्ट आए। तो आप ऐसे बना सकते हैं घर पे और प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।